दोस्तों, अगर आप रेडमी का फ़ोन यूज़ करते होंगे तो आपको हर जगह ऐड ही ऐड देखने को मिलता होगा। चाहे आप म्यूज़िक प्लेयर ले लीजिए या फिर MI का वीडियो एप्लीकेशन ले लीजिए, हर जगह आपको ऐड ही देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आप कोई नया एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऐड देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सभी ऐड को आप रिमूव कर सकते हैं, अपने फ़ोन से निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और, जब से आया है MIUI 11 का अपडेट हमारे फ़ोन में, उसके बाद से और ज़्यादा ऐड आना शुरू हो चुका है हमारे फ़ोन्स में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे MIUI 11 से सभी तरह का ऐड निकाल सकते हैं। जो भी Xiaomi की तरफ से ऐड आते हैं हमारे फ़ोन में, उन सभी को आप निकाल सकते हैं। बस आपको कुछ सेटिंग करना होगा अपने फ़ोन में। तो आइए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन से इन सभी ऐड को रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उसके बाद आपको किसी तरह का ऐड देखने को नहीं मिलेगा आपके फ़ोन में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह के वीडियो देखने को मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो जो एप्लीकेशन में ऐड आ रहा है आप लिख के रख लीजिए, और उसके बाद एक एक एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिए। यहाँ पर मैं जितने भी एप्लीकेशन को रिकॉर्ड करके रखा हूँ, जितने भी एप्लीकेशन में मैं यहाँ पर देखा हूँ ऐड आता है, उन सभी एप्लीकेशन को आपको मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, MI का म्यूज़िक एप्लीकेशन। और यहाँ पर जैसे हम लोग ओपन करते हैं, हमको यहाँ पर भी ऐड देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐड भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कुछ देर के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड ही ऐड आपको देखने को मिलता है, चाहे भी किसी शक्ल में हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा ऐड यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से कभी कभी फुल स्क्रीन ऐड भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर से ऐड निकालने के लिए बस यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है, और देख सकते हैं कि नीचे भी एक ऐड आया था वहाँ पर। उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाना है इसका, और सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसीव रिकमेंडेशन, इसको हम लोग ऑफ़ कर देंगे। यहाँ से ऑफ़ करने के बाद में हम लोग बैक जाएंगे, और उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है वो है इसी का, MI वीडियो प्लेयर। इस वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें ऐड देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अच्छा होगा, हमें ऐड ही देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी किसी तरह का ऐड हमें देखने को नहीं मिलता है, कभी कभी पूरा स्क्रीन यहाँ पर भी हमें ऐड देखने को मिलता है। तो उस यहाँ से भी देखिए, यहाँ पर भी ऐड हमें देखने को मिला। तो इसका भी ऐड आप निकाल सकते हैं, बस आप अपने प्रोफाइल में जाइए, और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग में जाइए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रिकमेंडेशन, इसको भी आप यहाँ पर बंद कर दीजिए। तो ये अलग अलग सभी एप्लीकेशन में अलग अलग नाम से अलग अलग स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको बंद करने का एक फीचर दिया रहता है, एक बटन दिया रहता है, आप यहाँ से बंद कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आता है तीसरे नंबर पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन। तो सिक्योरिटी एप्लीकेशन में भी जाना है, और यहाँ पर भी हमें ऐड देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐड यहाँ पर भी देखने को मिलता है, और बड़े बड़े ऐड यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें। तो फिलहाल यहाँ पर किसी तरह का ऐड नहीं है, लेकिन हमें मिलता है यहाँ पर देखने के लिए। उसको बंद करने के लिए आप यहाँ पर सेटिंग में जाइए, और उसके बाद नीचे जाइए, और नीचे में जाके यहाँ पर भी आप रिसीव रिकमेंडेशन को भी ऑफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें चौथे नंबर पर यहाँ पर आता है थीम एप्लीकेशन। थीम एप्लीकेशन में हम लोग जाते हैं थीम को डाउनलोड करने, लेकिन हम लोग डाउनलोड करते करते किसी ऐड पर क्लिक कर देते हैं, और हमारे फ़ोन में ना जाने क्या कुछ डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर थीम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर अब देखिए एक ऐड आ गया है यहाँ पर। और इसको बंद करने के लिए हम लोग जाएंगे माई पेज में, और उसके बाद सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर भी आप रिकमेंडेशन को ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर हम लोग जाते हैं पांचवे एप्लीकेशन में। पांचवा चीज़ वो है कि जैसे हम लोग प्ले स्टोर से किसी तरह का एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, चलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। फिलहाल मुझे डाउनलोड क्या करना है मैं देख लेता हूँ थोड़ा। दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, और यहाँ पर इंस्टॉल होगा, लेकिन आपको यहाँ पर भी एक ऐड देखने को मिलेगा। जैसे ही आप किसी तरह का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर ऐड देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऐड आएगा, अभी कुछ देर में आएगा या फिर बाद में आएगा यहाँ पर ऐड। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं ऐड आता है या नहीं। तो यहाँ पर हमें ऐड देखने को मिलता है एक। जैसे ही हम लोग किसी तरह का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, यहाँ पर एक ऐड देखने को मिलता है। यहाँ से भी इस ऐड को बंद कर सकते हैं। सेटिंग में यहाँ पर आप ऊपर सेटिंग देखने को मिलता है, वहाँ पर जाकर, और यहाँ पर रिसीव रिकमेंडेशन,
देखिए यहाँ पर मैं बंद कर दिया था पहले से और यहाँ पर बंद था। अगर हम लोग इसे चालू करके बैक जाएंगे तो हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर हम लोग दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें ऐड देखने को मिलेगा, पहले मैं बंद कर दिया था। तो इसे भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। और बंद करने के बाद यहाँ पर पाँचवा चीज़ आपको यहाँ पर छठे नंबर पर आता है, ऐप ग्रुप। अगर आप ढेर सारा एप्लीकेशन एक जगह पर रखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रखा हूँ और बहुत सारे एप्लीकेशन एक ही जगह पर मैं रखा हूँ, एक ही ग्रुप बना के इसका, तो इसको भी मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर नीचे हमें देख सकते हैं कि प्रोमोटेड ऐप या किसी तरह का यहाँ पर और बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलता है नीचे। तो इसको भी हम लोग बंद कर सकते हैं। यहाँ पर जितने देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रमोट किया गया है Xiaomi के द्वारा और वो एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, लेकिन इसका फ़िलहाल हमें किसी तरह का काम नहीं है। तो इसको हम लोग बंद करने के लिए यहाँ पर आप इसी नाम के ऊपर में क्लिक करेंगे और आपको यहां पर देखने को मिलेगा प्रमोटेड ऐप। इसको हम लोग यहां से बंद कर देंगे और बंद करने के बाद यहां से देख सकते हैं कि ये गायब हो गया। उसके बाद यहां पर सातवें नंबर पर आता है ऐप वोल्ट। ऐप वोल्ट में हमें बहुत सारे ऐड देखने को मिलता है, बहुत भर भर के ऐड हमें ऐप वोल्ट में देखने को मिलता है, जो कि हम लोग को ज़रूरत नहीं है उतना सारे ऐड को। तो यहां पर आप ऐप वोल्ट से भी उसको बंद कर सकते हैं, बस सेटिंग में जाना है। और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी हमें देखने को मिलता है रिकमेंडेड, इसको भी आप यहां से अनटिक कर दीजिए। और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा ऐड लगभग हमारे इस फ़ोन से निकल चुका है और उसके बाद हमें किसी तरह का ऐड नहीं देखने को मिलेगा। और किसी तरह का एप्लीकेशन छूट गया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, उसका भी यहां पर कुछ उपाय निकाला जाएगा। तो फिलहाल ये सभी काम करने के बाद आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे किसी भी तरह का एप्लीकेशन ओपन करके तो आपको वहाँ पर ऐड देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या ऐड देखने को मिलता है या नहीं। तो दोस्तों ये हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो गया है और उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग म्यूज़िक प्लेयर ओपन कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर ऐड आता है या नहीं। तो देख सकते हैं कि हमारा डाटा ऑन है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी तरह का ऐड हमें नहीं देखने को मिलता है। देख सकते हैं कुछ भी ऐड हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, सभी के सभी ऐड यहाँ से रिमूव हो चुका है। उसके बाद हम लोग ओपन कर लेंगे हमारी वीडियो, यहाँ पर भी हमें ऐड नहीं देखने को मिलेगा और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसे भी हम लोग ओपन होने देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर ऐड देखने को मिलता है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ से भी सभी ऐड लगभग निकल ही चुका है, यहाँ पर आने के चांस ही नहीं, क्योंकि हम लोग बंद कर दिए हैं इसको। और बंद करने के बाद यहाँ पर किसी तरह का ऐड हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सभी सेटिंग करने के बाद आपके फ़ोन से लगभग सभी तरह का ऐड निकल जाएगा और आपको बहुत कम आपको ऐड देखने को मिलेगा आपके फ़ोन में, चाहे आप बात कर ले थीम का या म्यूज़िक प्लेयर का या वीडियो प्लेयर का या फिर सिक्योरिटी का या फिर ऐप वॉल्ट का, आपको ऐड बहुत कम देखने को मिलेगा और आपका फ़ोन इससे काफ़ी अच्छा होगा और आपको फ़ोन यूज़ करने में बहुत सारी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।